From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So guys, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, आज के सिनेरियो में कवर करने वाले हैं कावासाकी निंजा ZX 10R पर मॉडिफिकेशन, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा। इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पर हमारे पास निंजा भी खड़ी हुई है। ये 2017 का मॉडल है, इसमें भी मॉडिफिकेशन के काम किए जा रहे हैं। लाइक आप देखते पीछे KTM वाले, इसमें इंडिकेटर लगाए जा रहे हैं, हैजार्ड लगाया जा रहा है, LED बल्ब लगाए गए। बाकी काफी सारी वीडियो आपको निंजा की मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें केसिंग वगैरह हो गया, और मैं केसिंग वगैरह आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है वो भी दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर केसिंग है निंजा की आपकी 300 650 के लिए, जो कि केसिंग ये बहुत ही हैवी क्वालिटी वाली है, और ये कुछ इस तरीके से आपकी फिट हो जाती है। साइड फेनर की जो साइड फेनर होती है तो उसके साइड में लग जाती है, और उसके ऊपर से आप स्लाइडर वगैरह लगा सकते हो। स्लाइडर पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है। ये बहुत ही हैवी है, चेसी पर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है आपकी, और प्लग एंड प्ले फिटिंग है इसकी गाइस, और इसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। बाकी इसके अलावा काफ़ी सारी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देखोगे, जिसमें निंजा 300 650, और ये वीडियो जो है वो है आपकी ZX 10R पर, जिसमें PPF की गई है। तो इसमें क्या क्या एक्सेसरीज आज इन्होंने ऐड करी है? वैसे एक्सेसरीज तो कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ काम किया गया है PPF का। और क्या क्या काम कर सकते हो इसमें आप ये बता दो, इसके अंदर ओरिजिनल एग्जॉस्ट वगैरह के बारे में बता दो, जो नॉर्मल एग्जॉस्ट के बारे में बता सकते हो। इसमें ओरिजिनल एग्जॉस्ट भी लग सकता है, जैसे लोग कॉपी ज़्यादा लगवाते हैं। ये तो ओरिजिनल था लगा हुआ, ये तो ओरिजिनल था, अगर कॉपी लगवाना चाहे तो कॉपी ज़्यादा लगवाते हैं लोग। ओरिजिनल जो ओरिजिनल भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा पहले कि आपको ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल महंगा आता है, सस्ता नहीं आता। अब मान लो कॉपी तो स्टार्टिंग हमारे पास 2000 रुपये से, जैसे कि ये भी आपने एग्जॉस्ट देखा था, ये विद वेंट पाइप सेट 1.5 लाख का था। yes. और इसका जो वाइजर आपने देखा था फ्यू वाला, ये 12000 रुपये का इसका ओनली फॉर वाइजर ही है। yes. बाकी आप चाहो तो इसमें सस्ता ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक इस चीज़ पे कंफर्टेबल हो या करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। अपने पास सारे ऑप्शन, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, ये देखो। बाकी इसके अलावा बाहर भी काफ़ी सारी इसमें जो है एग्जॉस्ट की रेंज है, एग्जॉस्ट तो ये डिस्प्ले में है, इससे ज़्यादा सामान अपने गोदाम पर भी है। कोई पर्टिकुलर आपको एग्जॉस्ट चाहिए उसका नाम आप बता सकते हो, ओरिजिनल भी आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और लगभग साउंड देखो सेम ही होता है, बस एक मन में होता है कि हमने ओरिजिनल लगवा रखा है या आपने आफ्टर मार्केट जो है एक कहते हैं ना कि उसका डी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उससे फर्स्ट कॉपी कहते हैं, फर्स्ट कॉपी। तो साउंड दोनों का ठीक है, बाकी हैजार्ड वगैरह, इंडिकेटर बल्ब वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह, टेल टेडी टायर अगर, और मतलब इसमें तो अगर लगे हुए हैं PPF का नहीं, PPF तो अगर है ही है, अरे मैं उसी बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी सामान की बात है ना, निंजा 300 में भी ये सब कुछ लग जाता है, और जो 10R है इसके अंदर भी ये सब कुछ ऐड हो सकता है अगर आप कराना चाहें तो। और PPF जो है वो जो करी गई है ये सबसे महंगी और सबसे अच्छी, जो कि 4-5 हज़ार रुपये की इसकी स्टार्टिंग है, शायद गारंटी भी उसकी 1-1.5 साल की गारंटी होती है इसकी, ठीक है जी। और इसे ओरिजिनल PPF कहते हैं। ये जो महंगी गाड़ी होती है हम ज़्यादातर उसमें ही प्रेफर करते हैं कस्टमर के लिए, सस्ती गाड़ी हम प्रेफर किस लिए नहीं करते, क्योंकि बंदे कहते हैं यार 1.5-2 हज़ार में दुनिया करते, 3 हज़ार में तुम 5 हज़ार कैसे मांग रहे हो, तो उनको हम प्रेफर करते हैं। बाकी आप चाहो तो उन पर भी करवा सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, आगे का वीडियो भी देख लो गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है कावासाकी निंजा, और इसमें जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है फुल बॉडी लेमिनेशन PPF हैवी क्वालिटी वाली, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग, और ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर कटिंग वगैरह इसकी इस हिसाब से करी जाती है कि पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ लेमिनेशन करी है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो जो इसकी क्वालिटी है ये प्रॉपर PPF क्वालिटी होती है, और बहुत ही हैवी क्वालिटी की है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका टैंक पैड्स है, जो कि आप देख सकते हो, तो इसकी कटिंग वगैरह इस हिसाब से की जाएगी कि पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पर लेमिनेशन करी है या कहाँ पर नहीं करी है। बहुत ही हैवी क्वालिटी की है, माइनर स्क्रैचेस के अगर छोटे बड़े भी स्क्रैच पड़ जाएंगे तो वो भी ये आराम से सह लेते हैं, क्योंकि ये इसकी जो मोटाई है ना जो बहुत ज़्यादा होती है गाइस। और ये जो PPF है ये की जा रही है फुल बॉडी लेमिनेशन में। सो गाइस, इस पर आप देख सकते हो अभी फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ इसके साइड पैनल्स पर, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट कर दिया गया है, और यहाँ से जो फिनिशिंग आई है जो कलर और ज़्यादा ग्लॉसी हो गया है, और फिनिशिंग आप देखो यहाँ से जज नहीं कर पाएगा कोई कि यहाँ पर लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की है, जैसा कि आपके सामने है गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो, और गाइज ये जो PPF है ये है 3 लेयर वाली, और 3 लेयर का बेसिकली फायदा क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर कैमरा जस्टिस कर रहा होगा यहाँ पर आपको स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, क्योंकि ये जो है ना ये स्टेपर जब यूज़ करते हैं तो इससे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो जो आखिरी वाली लेयर होती है जब उसको उतारते हैं तो पता नहीं चलता कि लेमिनेशन कहाँ की गई है कहाँ नहीं की गई। जैसे कि आप देखते हो उसकी कटिंग का काम अभी चालू है, ये देख सकते हो गाइज, और उसका यहाँ पर बॉर्डरिंग लगा दी जाएगी,
ताकि बिल्कुल भी जो है कहीं से भी निकले ना हो और प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। सो गाइस जो पार्ट कवर किए जाएंगे वो जैसे फ्रंट का पूरा ऑल ओवर हो गया, इसका मड गार्ड हो गया तो ये भी कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद टैंक हो गया, साइड पैनल्स हो गए आपके बैक साइड में, यहाँ पर भी आप देखो इसको भी लेमिनेशन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी एक्सेसरीज एड है, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर एससी प्रोजेक्ट का और ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है। सो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस एससी प्रोजेक्ट है, ये जेन्युइन है और यहाँ पर आप देख सकते हो फुल सिस्टम लगाया गया है। इसका साउंड मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर स्लाइडर्स लगाए गए हैं जिससे इनकेस कभी बाइक गिर जाता है तो आपका जो फेयरिंग है डैमेज नहीं होता और लुक जो है वो तो आ ही जाता है आपके सामने है गाइस। इसके अलावा यहाँ पर वाइजर लगाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो वाइजर लगाया गया है ये पीयूष का लगाया गया है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर स्लाइडर भी वही है। और इसमें जो एक्सेसरीज है जो मैंने आपको दिखाया है पहले कर लेता हूँ कंप्लीट, जैसे कि लेमिनेशन वगैरह फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल पे और लास्ट में सुनाऊंगा आपको एग्जॉस्ट के साउंड जो है वो कैसा आएगा इसका। I'm gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need. Need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. सो गाइस जो उसकी पीपीएफ थी वो हो चुकी है कंप्लीट और कुछ मॉडिफिकेशन भी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट पहले दिखाता हूँ आपको पीपीएफ जो लेमिनेशन की गई थी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फाइनल के बाद लुक आ रहा है। लुक क्या आ रहा है पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पर लेमिनेशन कराई थी, ये देख सकते हो गाइस। ये देखो गाइस एक एक पार्ट आप देख सकते हो, जो आगे का मडघाट है ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देख सकते हो आप। इसके अलावा फ्रंट अगर फ्रंट आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है इसका, ये देख सकते हो गाइस। अगर मैं आपको टैंक दिखाऊं तो टैंक भी आपके सामने है, यहाँ पर बॉर्डरिंग भी इस हिसाब से की गई है जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर की गई है, अदरवाइज फालतू बॉर्डर भी लगाए हैं जो कि अलग ही दिखते हैं, जो काफ़ी वाहियात से लगते हैं। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो शायद पता चलेगा कि लेमिनेशन कहीं पर की गई है, बट कैमरे में तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हो पाएगा। देखो गाइस ये देखो गाइस, तो बैक पार्ट भी देख सकते हो, इसका जो काउल था इस पर भी लेमिनेशन की गई, यानी जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ पर लेमिनेशन का जो काम किया गया है जैसे कि आपके सामने है। साइड फेयरिंग भी आप देख सकते हो इसके, ये देख सकते हो गाइस आप। इसके अलावा गाइस वाइजर का आप लुक देख सकते हो जो कि प्यू वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रांडिंग और काफी बेस्ट लग रहा है, काफी अच्छा लुक आ रहा है यहाँ से आप देख सकते हो। तो ऑल ओवर पीपीएफ का तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ साइड से जिसका फुल एग्जॉस्ट सिस्टम था जो कि एक्सी प्रोजेक्ट का ओरिजिनल विद वेंट पाइप के साथ जैसे कि आपके सामने है, ये देख सकते हो गाइस। और यहाँ पर जो स्लाइडर्स लगाए गए थे वो भी आप देख सकते हो जो काफ़ी बेस्ट और काफ़ी हैवी, इससे इनकेस कभी बाइक गिर जाता है तो आपके जो है फेयरिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से सेफ रहते हैं, इसके टूटने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहते, और ये भी जेन्युइन कंपनी के ही हैं गाइस। करना स्टार्ट एक बार, तो ये है गाइस ऑन पर, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके आप बता सकते हो। शॉप पर आने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आप हनुमान मंदिर के पास आकर, हनुमान मंदिर थोड़ी सी लोकेशन बता दो, हनुमान मंदिर पे आकर मेट्रो स्टेशन वाला मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के बराबर में हनुमान जी की बड़ी विशाल मूर्ति है, अब वहाँ आके कॉल करेंगे, वहाँ से मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है, आप आओ जाओ वहाँ से आ सकते हो, नहीं तो हम खुद आपको लेने आ जाएंगे। जैसे कि इन भैया को हम लेकर आए, भैया अरे जाना रहा आप, अगर जो आकर अगर जो नहीं आपको समझ आ रहा है तो हमें कॉल करें, हम आपको वहाँ से रिसीव कर लेंगे खुद जाकर। बाकी डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और खूबसूरत टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।